हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैसर एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन मास्टर। तो दोस्तों, आज मैं एक व्हाट्सएप के नए ट्रिक के साथ हाजिर हूँ, आपको व्हाट्सएप न्यू ट्रिक 2018 आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये ट्रिक ये है कि अगर आप अपना कोई मैसेज, ओल्ड मैसेज डिलीट करना चाहते हैं दोनों तरफ से, लेट्स सपोज आपने मैसेज सेंड किया अपने किसी फ्रेंड को, किसी को भी, व्हाटएवर, आपने किसी को भी सेंड किया, तो वो मैसेज आपका चला गया आपके पापा जी को, तो आप चाहते हैं वो मैसेज डिलीट करना दोनों तरफ से। तो यू इसमें व्हाट्सएप में ये फीचर तो था ही कि आप अपना सेंड किया हुआ दोस्तों मैसेज जो है वो 7 मिनट के अंदर अंदर दोनों तरफ से, सेंडर से भी और जिसने रिसीव किया वहां से भी, आप 7 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों उसको डिलीट कर सकते हैं। मगर आपने एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजार दिए, अब आप चाहते हैं कि वो मैसेज दोनों तरफ से आप डिलीट करें, तो ये ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और व्हाट्सएप में ये सिर्फ यही फीचर है कि आप सेंड किया हुआ मैसेज जो है वो 7 मिनट के अंदर अंदर फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम एवरीवेयर आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये वाला जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये है कि आप अपना सेंड किया हुआ मैसेज 1 2 3 दिन के बाद भी अगर डिलीट करना चाहते हैं अपनी तरफ से भी, और जिसको आपने सेंड किया उसकी तरफ से भी डिलीट करना चाहते हैं, तो ये ट्रिक मैं आज आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपने 1 2 दिन डेट पुराने अपने मैसेज जो है व्हाट्सएप से कैसे डिलीट करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने व्हाट्सएप ओपन की और ये मैं मैसेज आपको अभी सेंड करके दिखाता हूँ। एक ये मैसेज सेंड किया और ये टुडे की डेट में है। ये 7 8 मिनट का ड्यूरेशन होता है कि जो आपने मैसेज सेंड किया है उसको आप दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको प्रेस होल्ड करके ये डिलीट करके आपको ऑप्शन बताऊं, ये डिलीट फॉर मी कैंसल और डिलीट फॉर एवरीवन, ये ऑप्शन मुझे मिल रहा है क्योंकि ये मैं अभी सेंड किया है मैसेज, तो ये 7 8 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मैंने ये 1 2 दिन पुराने जो मैसेज सेंड किए, ये जैसे ये शो हो रहा है ऊपर, यस्टरडे यस्टरडे में जो मैसेज सेंड किए इनको मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ दोनों तरफ से। तो अगर मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करके आपको दिखाऊं, ये डिलीट का बटन दबाया तो ये सिर्फ मेरी तरफ से डिलीट होने का ऑप्शन है, उधर दूसरी तरफ से ये डिलीट नहीं हो सकता। तो ये मैं आपको आज सिखाऊंगा कि आप 1 2 दिन पुराने मैसेज भी दोनों तरफ से, जो आपने सेंड किया, जिसको सेंड किया, दोनों तरफ से आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना जो वाईफाई का कनेक्शन है या आपका डाटा कनेक्शन है, जो भी है इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है आपका मोबाइल, उसको आपने डिसकनेक्ट करना है। उसके बाद आपने सिंपली जाना है सेटिंग के अंदर, सेटिंग में आपने क्लिक करके जाना ऐप्स के अंदर, ऐप्स में जाके आपने व्हाट्सएप जो है वो नीचे उसको ढूंढना है और उस पे आपने जाके क्लिक करना है। ये रही व्हाट्सएप, इसको आपने क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फोर्स स्टॉप, इसको आपने स्टॉप करके ओके कर देना है और उसके बाद इसको आपने नीचे से फेंक के आपने जाना दोबारा सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाके अब आज डेट है 25 जनवरी, तो मैं चाहता हूँ डिलीट मैसेज करना कल का जो मैं सेंड किया था 24 जनवरी को, तो मैं अपने मोबाइल की अब जाके डेट चेंज करूँगा। सेटिंग, एडवांस सेटिंग के अंदर जाके जिस जगह से आपके मोबाइल की डेट चेंज होती है वहाँ जाके आपने क्लिक करके ये जो लिखा हुआ है ऊपर ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम, इसको आपने दोनों को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद ये सेट डेट पे आपने क्लिक करके, आज 25 है तो मैं मैसेज डिलीट करना है कल का 24 का, तो इसको मैं कर दूंगा 24 और इसको कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद अब मैं दोबारा व्हाट्सएप के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये व्हाट्सएप दोबारा ओपन की, ओपन करने के बाद बाद
ये वाला जो कल वाले मैसेज थे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यस्टरडे शो हो रहा था, अब वो टुडे शो हो रहा है क्योंकि मैं एक डेट पीछे कर दिया। तो अब मैं ये वाले मैसेज आपको डिलीट करके दिखाता हूँ, इसको प्रेस एंड होल्ड रखेंगे और दोबारा इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें अब ऑप्शन आ रहा है डिलीट फॉर मी, कैंसिल एंड डिलीट फॉर एवरी वन। जैसे मैं इसको डिलीट फॉर एवरी वन करूँगा तो ये डिलीट दोनों तरफ से हो गया है मैसेज। तो दोस्तों अगर तो ये आपको इजीली हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरी सेकंड टाइम दोबारा इसको किसी और डेट का पिछली का डिलीट करें मैसेज, तो आपको क्या करना है, आपने दोबारा अपने मोबाइल की सेटिंग जो है उसको उसमें जाके अपने अपनी डेट को करंट डेट यानी ऑटोमेटिक करनी है, यानी जो करंट डेट आज की है अपनी डेट सेट करनी है। डेट सेट करने के बाद आपने अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा ये वीडियो वाला सारा प्रोसेस करना अगर आप और कोई पिछली डेट के मैसेज डिलीट करना चाहते हैं तो। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, हो सके तो मेरे नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो बना के आपके लिए लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।